हेलो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे वीवो के अपकमिंग बजट सेगमेंट वाले स्मार्टफोन के बारे में, जो कि होगा वीवो T2 Pro। ये फ़ोन को 22 सितंबर को इंडिया पे लॉन्च किया जाएगा और आज ये फ़ोन की इंडियन प्राइसिंग भी बाहर आ चुकी है। चलिए जानते हैं अनबॉक्सिंग स्टाइल में ये फ़ोन के सभी कंफर्म स्पेक्स के बारे में, साथ ही ये फ़ोन किस प्राइस पॉइंट पे इंडिया पे आएगा। सबसे पहले बात करें ये फ़ोन की लुक एंड डिज़ाइन की, तो ये फ़ोन काफ़ी मिनिमल एंड क्लीन से लुक एंड डिज़ाइन के साथ आने वाला है। बैक में ग्लोसी ग्लास की फिनिशिंग दी जाएगी, जहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन का सपोर्ट दिया जाएगा। डुअल कैमरे का सेटअप रहने वाला है एंड रिंग एलईडी फ्लश के साथ आएगा और फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट एंड स्लीम होगा, तो लुक एंड डिज़ाइन के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले। अंदर की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये फ़ोन 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस के साथ एक 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है और डिस्प्ले की बेजल्स काफ़ी पतली रहने वाली है, तो डिस्प्ले का फील एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा और ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा, तो यूजिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा। इसके अलावा ये डिस्प्ले HDR10 प्लस एंड 10-bit कलर सेचुरेशन को सपोर्ट करेगा, तो नेचुरल कंटेंट वॉचिंग भी डिस्प्ले के साथ कर पाओगे एंड 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट होगा, तो डिस्प्ले आउटडोर पे भी काफी ज्यादा ब्राइट होगा। तो नो डाउट डिस्प्ले के साथ मल्टीटास्किंग, गेमिंग एंड कंटेंट वॉचिंग बेटरली कर पाओगे। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो रियर पे डुअल कैमरे का सेटअप मिलने वाला है, जहां पर 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर विद OIS एंड 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर, तो प्राइमरी शूटर से स्टेबल पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे और वीवो कैमरा को लेकर काफी अच्छा खासा ऑप्टिमाइज करता है, तो क्लियरिटी के ऊपर भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। यहीं पे फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की सेंटर पंच होल कोडॉट के साथ सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा, तो सेल्फी शूटर भी डिसेंट ही होगा। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फ़ोन परफॉर्मेंस को लेकर डायमेंसिटी 7200 वाले प्रोसेसर के साथ आने वाला है, जिसकी एंटूटू बेंचमार्क स्कोर 7 लाख से ऊपर चला जाता है एंड 4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है, तो बैटरी को भी काफ़ी अच्छा खासा बचा पाएगा, साथ ही गेमिंग भी अच्छे खासे विदाउट लैगिंग एंड हीटिंग के साथ खेल पाओगे, प्लस 5G प्रोसेसर रहने वाला है, तो 5G के ऑफर्स भी यूज कर पाओगे। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 4600 mAh की बैटरी दी जाएगी और इसे चार्ज करने के लिए 66 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहने वाला है और चार्जर भी विद बॉक्स ही दिया जाएगा। तो ओवरऑल ये कुछ हाइलाइटेड स्पेक्स होंगे ये फ़ोन पे। बाकी अदर स्पेक्स को लेकर यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रहने वाला है, मोनो स्पीकर दिया जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउडली होगा। इसके अलावा विद बॉक्स ये फ़ोन बताया जा रहा है कि एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा एंड 2 RAM ROM वेरियंट देखने को मिलेंगे ये फ़ोन के साथ। पहला वेरियंट होगा 8128 एंड दूसरा वेरियंट होगा 8256 GB। तो ओवरऑल ये कंफर्म स्पेक्स रहने वाले वीवो T2 Pro के। अब बात करें कि ये फ़ोन किस प्राइस पॉइंट पे इंडिया पे आएगा, तो यहाँ पे प्राइसिंग बाहर आई है। ये फ़ोन बताया जा रहा है कि 24999 यानी कि 25,000 के प्राइस पॉइंट पे ये फ़ोन इंडिया पे आने वाला है, जो प्राइसिंग लीक होकर बाहर आई है। अब देखा जाना तो वीवो के ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग ये प्राइसिंग काफ़ी ठीक ठाक बोल सकते हो, ज़्यादा ओवर प्राइसिंग नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वीवो के सर्विसेज बेटर होते हैं और ये ऑफलाइन मार्केट वाले फ़ोन होते हैं। अब देखा जाना तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आप सभी के माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा होगा, क्योंकि iQOO G7 Pro भी यही सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ ही लॉन्च किए गए, तो दोनों में से किसे बाय करना चाहिए ये आप सभी के काफी कंफ्यूजन होंगे। सो इन दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन वाला वीडियो बनाकर रखा हूं, सो वो वीडियो आप लोग जाकर देख लेना, आप सभी के सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। फिलहाल तब तक के लिए चलता हूं, मिलते गाइस अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।